गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्राची और आप सभी को ईद मुबारक हो मेरी तरफ से। और आज ईद के मौके पे मैं सेवैयाँ बनाने जा रही हूँ, तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने पैन चढ़ा दिया। मैं इसमें 1.5 कटोरी पानी डालूँगी चाशनी बनाने के लिए और 1 कटोरी चीनी डालूँगी। और साइड में मैंने कढ़ाई भी चढ़ा रखी है। इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करूँगी। मैं ड्राई फ्रूट्स काट के रख लिए हैं। तब तक ये चाशनी तैयार हो जाएगी। गैस जला दिया है मैंने कढ़ाई का। अब इसमें ड्राई फ्रूट काजू बादाम पिस्ता चिरौंजी किशमिश। अब मैं इसमें 1 चम्मच घी डालूँगी कढ़ाई में। देसी घी डाल रही हूँ मैं। इसमें मैं सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लूँगी। अब तक चाशनी बन के तैयार हो जाएगी। ड्राई फ्रूट रोस्ट हो रहे हैं। मैं ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, मैंने रोस्ट करके निकाल लिया। अब मैं दूसरी कढ़ाई में सेवई फ्राई कर रही हूँ। उसमें मैंने 1 चम्मच घी डाला है और मुझे ज़रूरत लगे तो मैं 1 चम्मच घी और डाल दूँगी। मुझे ज़रूरत लग रही है कि मैं 1 चम्मच घी और डाल दूँ क्योंकि सेवई अच्छे से फ्राई हो जाए। वो वाली कढ़ाई में सेवई आ ना पाती, इसलिए मैंने दूसरी कढ़ाई लिया है सेवई फ्राई करने के लिए। मैं इसे अब अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। बहुत लंबा रोल था, मैंने डाल दिया था, तो मैं इसको कलछुल से इसके हाफ हाफ पीस कर दे रही हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा मुझे पलटने में दिक्कत हो रही है। और ये जल ना जाए इसलिए मैंने गैस बंद कर दिया है। अब मैं ये चाशनी बनके जो तैयार हो गई मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ी थोड़ी करके मैं इसमें पूरी डाल दूँगी। अब इसमें पूरी मैं डिप कर दूँगी सेवई जो चाशनी है धीमे धीमे से। और फिर बाकी बची चाशनी मैं इसमें पूरी डाल दूँगी। मैंने गैस चला दी है। अब मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिया। थोड़े ड्राई फ्रूट्स मैंने बचा के रख लिए हैं जो कि मैं सर्व करने के बाद उसके ऊपर डालूँगी। लॉकडाउन चल रहा है तो मेरे पास कलर नहीं था, ना ही केसर था, तो मैंने ऐसे ही बनाया है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ सर्व करने के लिए। मैंने प्लेट में इसको निकाल लिया है। अब मैं इसमें ऊपर से ड्राई फ्रूट्स से सजा दूँगी। कितनी यम्मी लग रही है ना देखने में। कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए देखिए, खा के देखिए। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।